पश्चिम बंगाल से हल्द्वानी उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकली नोट की सप्लाई का मामला सामने आया है। नैनीताल पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3,07,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी नैनीताल ने नकली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए कहा कि 9 अक्टूबर को लाल कुआं निवासी शुभम वर्मा नाम के एक सुनार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 9,000 रुपए का नकली नोट बरामद किए गए। जहां मुख्य आरोपी शुभम वर्मा से पूछताछ की गई तो पूछताछ में सामने आया कि नकली नोटों का खेत पश्चिम बंगाल के मालदा से उत्तराखंड में लाकर अलग अलग क्षेत्रों में खपाई जाती है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीरा ने बताया कि 9 अक्टूबर को शुभम वर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा नकली नोट के माध्यम से देश अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई है। इसकी सूचना केंद्रीय एजेंसी को दी गई है, जहां आगे की जांच केंद्र की एजेंसी जांच करेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लालबाग क्षेत्र में कभी को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। उसके बाद इस मामले के गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारी पता करने के लिए और बाकी जो इस गिरोह में जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए SPCD COCT थाना लालकुआ और SOG की टीम गठित की, और इन टीमों ने अलग अलग जगह दबिशे दी और अलग अलग लोगों से पूछताछ की। इस सारे प्रकरण में शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपये जो हैं वो उनके नकली नोट बरामद किए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों में ये नकली नोट खपाने का कार्य करते हैं।